मुस्कुराए खुशी महसूस हो सकती है। मुस्कुराने की क्या जरूरत है, आज लोग खुशी नहीं है, जानते हो क्या करते हैं, कपिल शर्मा को शो देख जाते हैं, खुशी मिलेगा, खुशी नहीं मिलेगा, खाली हंसी मिलेगा। वहाँ से निकलिएगा, कुछ दिन तक याद रहेगा तो हंसिएगा, उसके बाद फिर आपको याद रहेगा तो आपको टेंशन रहेगा, यार तू एक चीज याद दिलाता है खाली बार बार, वो मजा आने वाला नहीं है, वो परमानेंट नहीं है। साथ ही साथ बच्चों के लिए उच्च श्रेणी की शिक्षा बहुत जरूरी है, और उच्च श्रेणी की शिक्षा कहाँ मिलता है, दून स्कूल, इसे नॉर्मल स्कूल में नहीं, नॉर्मल स्कूल का तो हालत बहुत खराब हो चुका है, दून स्कूल जहाँ पे बहुत सारे लोग पढ़े लेकिन फीस कितना है, बहुत तगड़ा फीस लेता है। उसके बाद आता है सिंधिया स्कूल, आपने केवल बच्चा पैदा करने का मत कीजिए, जिसको पैदा करने में 9 महीना कष्ट झेलते हैं ना, तनियाओ 9 महीना कष्ट करिए उसका भविष्य बनाने के लिए, 9 दुनिया 18 महीना में एक बच्चा कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। महिलाओं से पूछ रहा हूँ, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, आज बहुत सारे लोग पैदा करके छोड़ दे रहे हैं, गजब आदमी यार, ये कोई मतलब थोड़ी होगा, उसका भविष्य ग्वालियर स्कूल सिंधिया पब्लिक स्कूल 7,70,000 साल भर का फीस है, महीना का 7,70,000 पढ़ा होगा पढ़ा, और कमाई में करेगा 50,000 भरिए ना 7,70,000 प्रॉब्लम है। पूरे स्टॉक स्कूल मंसूरी, यहाँ आपका बच्चा पढ़ेगा तो आपको खुशी मिलेगा, साथ ही साथ आप अपने बच्चों के साथ अपने परिवार के साथ फॉरेन ट्रिप हर साल जब मन करे तब जाए, खुशी आएगा कि नहीं आएगा, मजा आएगा कि नहीं आएगा, यही रहिएगा जाइएगा मत कहूँ, आराम गलती बोलते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग, ये अगर जाइएगा तो आपको मजा आएगा कि नहीं आएगा, अरे आपको अपने में कंफ्यूज है, मजा आएगा कि नहीं आएगा, खुशी आएगा, साथ ही साथ आपका नाम होना चाहिए, कैसा नाम, सामाजिक, गूगल पे लोग खोजे आपको, आप लोग कहाँ खोजते हैं अभी मालूम है, कॉन्टेक्ट लिस्ट में मोबाइलिया कॉन्टेक्ट में जाएगा ना, तुम लगाओ तो क्या नाम है आपको, राजेश कुमार, राजेश कुमार फोन लगाइए तो प्रोग्राम लिखेगा राजेश, तो कॉन्टेक्ट में उसका नाम है, राजेश कुमार गूगल पे आ जाए तो गूगल पे आपके राजेश कुमार का तस्वीर आ जाए, गूगल पे आपका नाम होना चाहिए, और जिस दिन आपका नाम गूगल पे आ गया प्रतिष्ठा ऐसा होना चाहिए और पहचान ऐसा होना चाहिए कि जिस शहर में उतर रहा है उस शहर में आपका घर हो, ये पहचान अपना घर बनाए तो क्या बनाए, लोगों के दिल में जो घर बनाया वो असली घर है, आपका घर छूट जाएगा वो घर वहीं रह जाएगा, लेकिन लोगों आप पूरा वर्ल्ड में कहीं चले जाइए आपके लिए तो घर ही घर है, आप कहां घर खोज रहे हैं, आप आदमी को एक घर बनाने में मुश्किल पड़ता है, यहाँ तो हजारों घर आपके लिए इंतजार कर रहे हैं, अच्छे कर्म करने से ये सारा चीज मिलते हैं, पर सवाल ये है असली सच्चाई क्या है जिंदगी का, कि इन जितनी चीजें मैंने अभी आपको दिखाया उनमें से एक भी चीज आपको मिल पा रही है तो बताइए कोई चीज, तो जवाब क्या आता है, मिल रहा है, सच्चाई है कि झूठ बात है, और एक वो चीज नहीं मिल रहा तो खुशी है, जिंदगी में खुशी है नहीं, आज पत्नी बगल में बैठ जाए कभी कुछ बढ़िया बात कर रहा तो पति तो आ रही है, इतना बुरा हाल हो रखा है, लोग बैठने नहीं देते है, लड़ाई झगड़ा चालू है, नहीं बैठते है, ये हालत हो चुका है लोगों का, तो खुशी कहाँ है, खुशी है क्या, अच्छी एक बात बताइए तो आप जो इतना काम करते हैं इतना जो मेहनत करते हैं आप सब लोग, ये मेहनत का जा कहाँ है, ये सब वेस्ट हो रहा है आपका, जो आपको चाहिए वो तो मिलेगा ही नहीं आपको, आपका तो गया काम से आपका मेहनत, प्रॉब्लम क्या है, आपका ड्रीम बड़ा है, सबका ड्रीम बड़ा होता है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कंप्रोमाइज करते हैं, क्योंकि उनका इनकम कैसा है छोटा है, और बड़ा ड्रीम इनकम छोटा है, लोग क्या करते हैं सपना को काटने लगते हैं, 1947 वाला फिर मिलते हैं, सब आप बताइए मेरा ड्रीम बड़ा है इनकम का, मैं क्या करे बेटा, पैर उतने में सारी जितना बड़ा चलता है और उसी में मर जाना, निकलना मत उसमें से, और आप उसकी बात को सुन करके वैसे ही करते हैं, पैर को बड़ा नहीं करते बल्कि पैर को मोड़ लेते हैं और उसी चक्कर में घुस जाते हैं और जिंदगी ऐसी हो जाती है, जा झेला झेला, अभी बोलिएगा जिंदगी एक बोझ है, बोझ किसने बनाया,
आपका सपना काटने लगते हैं, कार नहीं लेंगे, क्या लेंगे, बाइक लेंगे, बाइक भी नहीं लेंगे, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, साइकिल से चलेंगे और अच्छा नहीं है, पैदल चलेंगे, घसीट के चलिए और बढ़िया रहेगा आपके लिए, रेंगे रेंग रेंग के ऑफिस पहुंचिए, मेरा हेल्थ अच्छा रहेगा, सब हेल्थ तो बाद में सब लड़वा जाएगा, किसी कुछ नहीं बचेगा आपके पास, सब खत्म हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम आज के डेट में है, आपको क्या करना है, आज का मीटिंग केवल उन लोगों के लिए है जो अपने सपनों को छोटा नहीं बल्कि अपने कमाई को बढ़ा करके सपनों को पूरा करना चाहते हैं, आज की मीटिंग केवल उनके लिए। तीन जगह पर लाव लाना पड़ेगा और जैसे सीक्वेंस में दिया गया उसी सीक्वेंस में लाना होगा। पहला आपको अपने जिंदगी में आपके जीवन में पहला बदलाव लाना होगा किन से, क्योंकि ये वो आदमी है जो आपके भाग्य को बना देगा और ये वही आदमी जो आपके भाग्य को बर्बाद भी कर सकता है। पहले चूज कीजिए आपका असली गुरु कौन है, असली गुरु कौन है जो आपकी गलती करने पर आपको समझाता नहीं है, दो चार छाप खींच के देगा वो असली गुरु, और जो आपको समझाता है ना वो नकली गुरु, सिंपल समझिए, पहचान आपको बता दे रहा हूं। दूसरा चीज गुरु के बाद क्या बदलना है हमको, संगत। पहले हम अपना जीवन में गुरु डिसाइड करेंगे, कौन गुरु जो सक्सेस है, कि नहीं जो मेरे बच्चे बड़ा वही मेरा गुरु हो गया, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो स्पॉन्सर है, स्पॉन्सर मन होता है बोल लेना, वो स्पॉन्सर है, स्पॉन्सर कोई जरूरी नहीं है, तो गुरु हो सकता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट गुरु दूसरा होता है, पकड़िए उसको, और दूसरा आता है संगत। ये कितना लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, बढ़िया से बताइए, अपने में कंफ्यूज है आप, वैसा इसको बनेंगे कि नहीं, आप कंफ्यूज अपने में रहिएगा, ये तेरा है कि बी है, आपको लगता है बी है, लेकिन ये बी तब है जब इसके इधर ए और सी है, तब ये बी है, और ये तेरा तब है जब ये ऊपर 12 है और नीचे 14 है, आई थ्री नहीं श्रीमान, तेरा है और बी है, दोनों बात लिखा हुआ है, और ये उदाहरण देता है कि आपके दाएं और आपके बाएं कौन है, आपके दाएं और बाएं जैसे होंगे वैसे नामकरण आपका रखा जाएगा, अगर ए और सी होंगे तो आप बन जाएंगे बी, और कहीं 12 और 14 हुए तो बन जाएंगे, इसलिए जिंदगी में हमेशा अपना संगत सोच समझ के बनाइएगा, कहीं ऐसा नहीं कि ऐसे लोगों के संगत में चले जाइए जिससे आपका जिंदगी नष्ट हो जाए, संगत बहुत बड़ा मायने रखता है। किसी ने सच कहा है कि संगत से गुण आत है और संगत से गुण जात है, तो संगत से गुण आता भी है और संगत से गुण जाता है, इसलिए सोच समझ के अपना संगति को ध्यान दीजिए। और तीसरा चीज है आदत, जो आदत आपको आज तक आगे नहीं बढ़ने दिया फिर उसी को पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं आप, छोड़िए उसको, और जो आदत आपकी जिंदगी में आपको आगे बढ़ा सकता है उसको पकड़ना है, अच्छी आदत को अपने अंदर डेवलप करना है। तो ये तीन चीज कौन कौन आदमी बदलने के लिए तैयार है, पता yes, कब से बदलेंगे सो बता दीजिए, अभी से yes. जो लोग अभी से बदलेंगे उनके लिए जोरदार ताली बजाएगी। अब ये तीन चीज बदलेगा तो आपकी जिंदगी में जो खुशी चाहिए वो मिलेगा, कैसे मिलेगा, समाधान है, क्या समाधान है जरा देखिएगा, समाधान क्या है, पैसा कमाना, सबसे ज्यादा जरूरी हमको क्या है, पैसा, जिसके बारे में आज तक किसी कॉलेज में नहीं बताया गया। पैसा कमाने का दुनिया में केवल दो रास्ते हैं, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम, बस। एक्टिव इनकम में क्या होता है, जब तक आप एक्टिव रहिएगा तो पैसा आएगा, जिस दिन आप इनएक्टिव हो जाइएगा, तो ध्यान से सुनिएगा सर, यही तो मेन चैप्टर है, इसके बाद जो है सब आसान है, यही मेन स्लाइड है, ये समझ में आ गया तो सब समझ में आ जाएगा, ये नहीं समझ में आया तो आगे कुछ ना समझ में आएगा। एक्टिव इनकम में सबसे बड़ा फायदा क्या है, इसमें जाते ही पैसा मिलने लगता है, गए महीना पूरा पैसा मिला, बट इसका नुकसान यह है ना कि अगर आपको 10 साल भी इसको दे दीजिएगा, आप अपनी जिंदगी का 20 साल भी इसको दे दीजिएगा और केवल 20 दिन नहीं जाइएगा काम करने, ये आपको एक रुपया नहीं देगा, तड़पा देगा, एक तरह से समझिए कि किराया के मकान में रहने जैसा हो गया, आपने 10 साल उसके यहां रहा और 10 दिन एक महीना का खाली किराया मत दीजिए या दो महीना का किराया मत दीजिए, मकान मालिक आपको निकाल के बाहर कर देगा, तो आपको रहने देगा नहीं रहने देगा। लेकिन पैसिव इनकम में क्या होता है, पैसिव इनकम में शुरुआत में पैसा नहीं दिखता, रातों रात मकान नहीं बनता, किसी का नहीं बनता, अपना मकान बनाने में टाइम लगता है, लेकिन एक बार अगर बन गया तो आपकी पीढ़ियां रहेगी
उनके पूरे औलाद इसमें पार हो जाएंगे, कोई निकालने वाला आपको नहीं है। यह इसका सबसे बड़ा बेनिफिट। अब एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम सीधा बात है। एक्टिव जब तक एक्टिव है पैसा आएगा। अभी बहुत लोगों को देह में ताकत है, लोग गोली दिखाते हैं, मेरे पास ऐसा गोली सब घूस जाएगा, कोरोना आएगा सब बॉडी का नाता घूस जाएगा, तो नहीं बचेगा एको बॉडी। एक बीमारी आएगा ना सब सड़क दीजिएगा, अब हमको नहीं जाना घर से, हम मास्क लगा के चलना है, दूर से ही बात करना है, एकदम डिस्टेंस बना के रखिए। तो ये हाल है। एक्टिव इनकम में आप ज्यादा खुश मत हो जाइए। आज जिनके पति नौकरी करते हैं उस समय मेरा तो एक्टिव इनकम आ ही रहा है, मेरा तो खुशी है, कुछ खुशी नहीं। आज पति मर जाएगा ना काम खत्म हो जाएगा, कहीं के लायक में बचेगा कोई नहीं देगा। आप ऐसा घर बनाना चाहेंगे जो घर आपके मरने के बाद सरकार को दे, बोली कौन कौन चाहता है ऐसा घर बनाना जो मरने के बाद सरकार के हो जाए। आपका नहीं होगा, आपके लोगों से मेहनत कर दीजिए, आपका नहीं होगा मरने कोई बनाएगा। कहा नौकरी करता है सब, वही तो है वो, कितनो मेहनत कर दीजिए, कितनो कर दीजिए, मरने के बाद ही आपका नहीं होगा। आपके मरने के बाद ही दूसरे को चलाएगा, आपका बेटा का नहीं होगा। हमने अपना खून पसीना दे करके जिसको बड़ा किया वो मेरा नहीं हुआ। और कैसी इनकम में क्या है, आज दिक्कत है, साल भर दिक्कत है, दो साल दिक्कत है, उसके बाद पूरी जिंदगी सूट के कमाइए पैसा, सो जाइए पैसा आएगा, मर भी जाइएगा तो पैसा आएगा। डिसाइड आपको करना है, आपको एक्टिव इनकम चाहिए या पैसिव इनकम चाहिए। अगर आप एक्टिव इनकम चाहते हैं तो चल जाइए नौकरी रोजगार करने। 95% लोग यही करते हैं और 5% पैसा कमाते हैं। अगर आपको पैसिव इनकम चाहिए तो चल जाइए बिजनेस और निवेश करने। यहाँ पर केवल 5% लोग हैं लेकिन धन 95% कमाते हैं, पैसा इधर ही है। अगर आप इन लोगों से मिलना चाहते हैं तो मिलिए इनसे, जो नौकरी के ख्वाब देखते हैं उनसे मिलिए। अभी 2021 का डाटा है, 8वीं पास चपरासी की नौकरी के लिए पहुंचे हजारों बीटेक एमटेक पास। चपरासी का नौकरी नहीं मिल रहा है बीटेक पास को, चपरासी का सोचिए आप कौन युग में आ गए हैं। और 10 साल बाद 20 साल बाद जब आपका बेटा बड़ा होगा उस समय तक सरकार बोलेगा कि मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, जाइए प्राइवेट हो गए सब। पहले क्या था, आदमी प्राइवेट काम करते करते उत्तर प्रदेश में 368 सीट के लिए प्यून की नौकरी, 23 लाख आवेदन, कितना सीट के लिए सोचिए, जिसमें दावेदार में 2 लाख से ज्यादा बीटेक ग्रेजुएट, 255 पीएचडी। आप सोच रहे हैं हम तो मुंबई में पढ़ा रहे हैं, बढ़िया स्कूल में पढ़ा रहे हैं, पढ़ाई यही हो रहा है, पढ़ाई जो हो रहा है वो आपके सामने। इससे भी बुरा हाल है मिलियन इनसे, बेरोजगारी का वो दुर्दशा हुआ है कि मुर्दा घर में डोम के पद के लिए इंजीनियर पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं अप्लाई, 6 सीट के लिए 8000 आवेदन, 6 सीट के लिए डोम के पद के लिए मुर्दा घर में, जिंदा घर के बात नहीं हो रहा है, मरा हुआ घर के लिए लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है। 1333 बच्चा अगर फार्म भरता है तो एक को नौकरी मिलेगी, इतना भयंकर कॉम्पिटिशन हो चुका है। अब ये उसके बाद भी आप किधर अटके हुए, एक्टिव इनकम चाहिए, नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। अरे सर जी भयंकर कंपटीशन भी है और पैसा भी नहीं है, इधर कोई कंपटीशन भी नहीं है, पैसे पैसा है। आपको किधर आना चाहिए, एक तरफ की भी तरफ, किधर किसके लिए जिएंगे आप, अपने लिए, बी के लिए। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाऊं और ध्यान से देखिएगा वो वीडियो, बहुत ही जबरदस्त स्टोरी छिपा हुआ है उस वीडियो के अंदर। हेलो, मेरा नाम है बर्क हेजेस। सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन का लेखक। मेरी किताब की शुरुआत होती है पाब्लो और ब्रूनो की कहानी से, जो दो अलग रास्तों अपने पैसे कमाना चाहते थे। आप जो देखने वाले हैं वो एक मजेदार एनिमेटेड कहानी है, तो आराम से बैठिए और जीवन को बदलने वाले इस सबक को देखें, पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन। आपके पास रास्ता है, आपको बिजनेस करना पड़ेगा,
सिस्टम बनाए तब तो बना दिया, पहले आपका बनाइएगा। तो आपके सामने एक विकल्प है जिसका आप सिस्टम बना सकते हैं, कोई भी बना सकता है, एक आम आदमी भी चाह जाए तो वो बना सकता है, और उस बिजनेस का नाम है डी एक्शन बिजनेस। बिजनेस में भी दो तरह के लोग हैं, एक ऐसे लोग हैं जो पाइपलाइन बिछाने में लगे हुए, और एक ऐसे लोग हैं जो बाल्टी ढो रहे हैं, ढोते रहिए जिंदगी भर, जब तक ढोएंगे तब तक पीवी आएगा, जब तक ढोना बंद करेंगे आपका पीवी यहाँ बंद हो जाएगा, सिंपल सा बात है। तो पाइपलाइन बिछाना है, सिस्टम बनाना है, तो जिस कंपनी का सिस्टम बनाएंगे उस कंपनी के बारे में थोड़ा सा ध्यान लीजिए आप। डीएक्शन की शुरुआत कहाँ से होती है, 11 दिसंबर 1993 को एक साइंटिस्ट के द्वारा जो आईआईटी खड़गपुर से पढ़े हैं जिनका नाम है दातु डॉक्टर लिम सियो जी ने जोरदार ट्राई होना चाहिए। और आपने किस चीज गौर कीजिएगा, कंपनी को खोला कौन, साइंटिस्ट, कोई आम आदमी रोड पे चलता हुआ आदमी ने कंपनी को नहीं बनाया है। दूसरी चीज, इनको बहुत सारा अवार्ड मिला है जिसमें द मेडल ऑफ ब्रांड साइंटिस्ट का अवार्ड इन्हें मिला है, बहुत सारा अवार्ड, ये तो मैंने एक छोटा सा लगाया है केवल। साथ ही साथ डी एक्शन का हेडक्वार्टर देखिए, इसमें क्या रूम होगा, 5 गो मॉल के बराबर अकेले है, मॉल घुस जाएगा 5 गो इसमें, और ये पूरा का पूरा बिल्डिंग किसका है, यानी दूसरा वाला लगाइए, अब नया का तो नहीं देख लीजिए, पुराना हो गया। नया ऑफिस देखिए हमारा डी एक्शन का, जो नया वाला बना है, पूरी दुनिया में ब्रांच फैला हुआ है, पूरा दुनिया में इसका प्रोडक्ट यूजर
स्टेट्स का नाम दिमाग में आता है गूगल पे लिखो और उसके बगल में डीएक्शन लगा दो, पता चल जाएगा वहां है कि नहीं। कितना देश में चला गया, 200 प्लस कंट्री में जा चुका। ये कोई छोटा मोटा कंपनी है? नहीं, रोड पर से चलते हुए उठा रही। अरे हम सब सौभाग्यशाली है तो हम लोग डीएक्शन में है। ये बहुत बड़ा भगवान का बहुत बड़ी कृपा है हम सबके ऊपर कि हम सब डीएक्शन में है। जिसके ऊपर कृपा नहीं है वो डीएक्शन में नहीं है, वो एमओयू भी नहीं करेंगे, उनको अभियान भी नहीं। 10 मिलियन बढ़ गया, 12.7 मिलियन हो गया अभी, यानी 1,27,00,000 डिस्ट्रीब्यूटर है। ऐसा संतुष्ट ग्राहक है। संतुष्ट ग्राहक किसको बोलते हैं? जो बार बार प्रोडक्टवा को खाता है, संतुष्ट ग्राहक है। कितना? 1,27,00,000 हो चुके हैं। प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है आप अंदाजा लगा सकते हैं? इसको कोई नहीं बताया डीएक्शन के बारे में, हम ये को बोल रही थी उधर, हमको कोई नहीं बताया, इसको भी कोई नहीं बताया। ये अपने से गूगल पे खोज खोज के और दुबई ऑफिस में जाती है और डीएक्शन का कॉफी खरीद के पीती है। ये कोई मामूली इंसान नहीं है, आरजे सारा मतलब रेडियो जॉकिंग, और ये फिल्म में काम कर चुकी है, सीरियल बना चुकी है, एफएम रेडियो पे आ चुकी है। ये डीएक्शन का कॉफी पीती है। आप सोचिए क्वालिटी का अंदाजा लगाइए, क्या क्वालिटी होगा डीएक्शन के प्रोडक्ट के पास। संयुक्त राष्ट्र संघ में सऊदी अरब और अबू धाबी का राजकुमार है डीएक्शन के साथ। कहीं लोगों को पैसा की कमी है? ये लोग पैसा के लिए सामने आए हैं? नहीं, ये लोग प्रोडक्ट के लिए सामने आए हैं। ये प्रोडक्ट अच्छा है, हर इंसान को खाना चाहिए। ये मैं बता रहा हूँ ये बता रहा है सऊदी अरब का राजा बोल रहा है। लोग जाते हैं सऊदी अरब, पैसा के बारे सऊदी अरब नहीं करेंगे। मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। एक लोमड़ी था, लोमड़ी चालाक प्राणी होता है, उसने आज आदमी